आज हम बनाते हैं पोंगन आलू। पोंगन आलू के लिए चावल, माश दाल, थोड़े से चावल, पका हुआ चावल, तीन भी मिक्स करके रखे हैं हमें, बोले तो 3-4 घंटे पहले भिगा के रखे हैं। अब हम मिक्स करने के बाद से तैयार हुए। अब ये चावल का चावल माशी दाल पूरा मिक्स करके, थोड़ा सा भी चावल खाना बना हुआ डाल के रखे है, थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड करेंगे। हमें पोंगनामा बनाने के लिए अभी तक हम चावल का आटा बता दिए, सेम प्रोसेस। चीला काटा कैसा, चीला काटा मतलब डोसा, सेम प्रोसेस। चावल, मसूर दाल, थोड़े से चावल, पका हुआ चावल मिला के मिक्स करके हम आटा बना के रखे। अब ये पोंगनामा बनाते, पोंगनामा मतलब पोंगन आलू। इसमें हमें भीगा हुआ चना दाल 1-2 घंटे पहला हमें पानी डालकर भीगने रखे ये दाल को। अब पानी निकालकर पूरी दाल इसमें मिक्स करेंगे। चना दाल, प्याज, हरी मिर्च, जीरा, नमक, ये सभी को एक बार मिलाएंगे। और ये तेलुगु में भी बोल सकते हैं, चेनगा पप्पू, पच्ची मिर्ची, जीलाकर, उप्पु, थोड़े से हल्दी, हल्दी को भी एक बार मिलाएंगे। ये अब सुबह में नाश्ते के लिए तैयार, इसलिए रात में मिला के रख देने से सुबह को तैयार होकर रहता है पूरा का आटा। सेम प्रोसेस, यही आटा निकाल के थोड़ा से हम अलग रख दिए, क्यों ये मिलावट है ना पूरा मिर्ची, चना दाल, जीरा, नमक, सोप, इसलिए हम ये सफ़ेद आटा रखे। ये भी सेम पोंगनामा डालने के लिए, सफ़ेद भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, इसलिए 2 आइटम बना के हम रख देते हैं। कुछ भी नहीं डाले हम इसमें, थोड़ा सा नमक डाल के रख देंगे। देखिए रात में हमें मिला के रखे आटा, इतना फूल गया, ऐसा फूलना चाहिए। अब हम प्याज रखे हैं, इसमें गर्म होना चाहिए, हम इसमें तेल डाल रहे हैं। तेल होने के बाद हम आटा को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ऐसा एक एक करके आटा पूरे इसमें डालना पड़ेगा, थोड़ा लाल होने से एक बार चाकू से उठा देंगे। देखिए ऐसा नीचे एक तरफ हो गया लाल, फिर और एक बार ऐसे भी उठाना चाहिए। देखिए
तैयार हो गई है, कोगनामा तैयार हो गई है। ऐसा होने के बाद एक बार निकाल के बाद में से स्पून से निकालना। अरे रात में वही आटा थोड़ा अलग सफ़ेद आटा निकाले थे ना, ये आटे से भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे बारीक वाली कड्डी लेकर ऐसा चुबा कर निकालना चाहिए, बहुत ही सिंपल। हमारे गर्मा गर्म पंगनामा तैयार हो गई है। अगर आपके वीडियो पसंद आने से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।